पर बात करेंगे वर्ल्ड कप महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई दोनों कांटे की टक्कर होने वाली है, बड़े बड़े टीम होंगे और बड़े बड़े प्लेयर होंगे, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि बड़े बड़े चार बड़े प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं। उनको ड्रॉप करो, बाकी वन साइडेड विन करो, वो चार के ऊपर निर्भर रहेगा कि मैच अच्छा जाएगा या फिर बुरा जाएगा, नहीं तो आपकी टीम बन ही नहीं सकती। दोनों टीमों के पास तगड़ा है, रिस्क तो लेना ही होगा। जी हाँ मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का कल मुकाबला खेला जाएगा 2 बजे दोपहर में। तो मेरे भाई अगर यदि आप इस मुकाबले को हमारे साथ खेलना चाहते हो, या फिर कल से बहुत सारे डोमेस्टिक मैच स्टार्ट हो रहे हैं, T10 वगैरह सारा कुछ, प्रॉफिट में रहना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम, जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ, इनके अलावा GL का टीम, पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, यानी कि बेहतर से बेहतर, शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, सारा कुछ टेलीग्राम पे ही तो देता हूँ। जी हाँ मेरे भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल आपको 57K सब्सक्राइबर के आसपास दिखेगा। ये ओरिजिनल चैनल है, लेकिन आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक या फिर वीडियो को फर्स्ट कमेंट में जो लिंक होता है, उन्हीं के सहायता जुड़ना, ताकि आप ओरिजिनल चैनल में आकर फ्री का फ़ायदा उठा पाओ। तो मेरे भाई चलिए अब एनालिसिस करते हैं तगड़ा वाला, एकदम एक एक करके सारे प्लेयर का। यह वर्ल्ड कप का 10वां मुकाबला खेला जाएगा 12 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे। यह मुकाबला अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर खेला जाएगा, इकाना क्रिकेट स्टेडियम। देखो इकाना का पिच जो था लखनऊ का, IPL हो रहा था, तो इकाना का पिच सुनते ही हम लोग स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिक कर लेते थे, लेकिन क्या वर्ल्ड कप में स्पिनर को मदद मिलेगा? कुछ हद तक तो स्पिनर के लिए है, लेकिन एक हाई स्कोरिंग मुकाबला भी हो सकता है। फाइनल पिच रिपोर्ट जो आएगी टॉस के बाद, वो महत्वपूर्ण होने वाला है, लेकिन इंडिया का पिच है तो मेरे भाई जहां तक स्पिनर को मदद मिलेगा, सेकेंड इनिंग में नहीं मिल रहा है, DU का असर है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ लॉस करके आ रहा था, साउथ अफ्रीका बड़े मार्जिन से विन करके आ रहा है भाई, 400+। पिच रिपोर्ट वो फाइनल मैच तो लाइनअप के बाद बताऊंगा, टेलीग्राम पे आपको जुड़े रहना है। पेस वर्सेस स्पिन, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला यहाँ पर 2022 में हुआ था, जहाँ पर 8 पेसर्स 4 स्पिनर यहाँ पर ले गए थे। वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर ODI टोटल 4 खेला गया, बैटिंग फर्स्ट 2, बैटिंग सेकेंड 2, ज़्यादा मायने नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो विन करके जाएगा। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 210 है, हाई स्कोर 249 और लो स्कोर 149, यानी कि रन बनाना थोड़ा सा पिच के अनुसार देखा जाए तो मुश्किलें होगा, लेकिन बड़ा टीम है, देखना दिलचस्प होगा। 200 का स्कोर यहां पर 2 बार गया, 200 से 249 2 बार, 250 से 300 एक भी भार नहीं गया, 300 का लगभग देखा जाए तो दिलचस्प होगा पिच, जो यहां पर गेंदबाजों को सपोर्ट कर रहा है वर्षों से। अब देखते हैं कल का पिच क्या होगा। रेन के कोई चांस नहीं, हेड टू हेड रिकॉर्ड टोटल 108 खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया 50 तो साउथ अफ्रीका ने 54। वाह भाई गजब का टक्कर होगा, 3-1 रिजल्ट रहा था। हेड टू हेड यहां पर 5 ODI सीरीज खेला गया, ऑस्ट्रेलिया जहां पर 2, साउथ अफ्रीका ने 3 विन किया था, मजा आएगा। टीम न्यूज कोई नहीं है यहां पर, डेविड वार्नर सा, मिचेल मार्स यहां पर, स्टीवन स्मिथ, मार्कस लगुसचग्ने, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी, कैमरोन ग्रीन, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जोस हेजलवुड शुरुआती झटका, क्वांटन डी कोक पावर प्ले में निपटेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया को निपटा देगा, टेम्मा बभुआ भैया आक्रामक खेलता है, ये प्लेयर टीम का कैप्टन, सभी लोग हैरान है कि साउथ अफ्रीका के ये कैप्टन से क्यों, प्लेयर उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखना पड़ेगा इनको पिक करने वक्त। रसिया भंडर दूसन शतक जड़ के आ रहे हैं, एडम मकरम शतक जड़ के आ रहे हैं भैया, हेनरी क्लासेन क्लास दिखाता है बंदा, स्पिन को जबरदस्त खेलता है, डेविड मिलर अंत पे आकर हार्ड हिटिंग, मार्को जॉनसन बल्ले से योगदान देगा, शुरुआती झटका देगा, जब चाहे तब मार्को जॉनसन को यूज करता है साउथ अफ्रीका। जी कोडजी लगातार अच्छा कर रहा है तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। केशव महाराज एकमात्र स्पिनर खेला था, शमसी को नहीं खिलाया गया, तो ठीक ठाक पिक रहेगा। वैसे कगिशोर अवाड़ा, लुंगी एंगिडी देखो पहले गेंदबाजी में बेहतर, सेकेंड पे महंगा साबित हो जाता है। अब ऑस्ट्रेलिया का डेविड वार्नर लास्ट मैच 41 करके आ रहे हैं करियर रिकॉर्ड, बाकी हेड टू हेड रिकॉर्ड अब देख सकते हो 43 का एवरेज साउथ अफ्रीका के सामने रखता है। मिचेल मार्श वर्ल्ड कप में एक लड्डू लेकर आ रहे हैं, हेड टू हेड 29 का एवरेज है, 8 विकेट है। स्टीव स्मिथ की बात की जाए, हेड टू हेड रिकॉर्ड यहाँ पर 40 का एवरेज है, 3 विकेट, वो अलग की बात है, वर्ल्ड कप में 46 करके आ रहे हैं। मार्कस लबुसचग्ने हेड टू हेड 61 का एवरेज है मेरे भाई, नज़र रखना,
27 रन करके आ रहा है इंडिया के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ तो बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। ग्लेन मैक्सवेल 10 का एवरेज है मेरे भाई, बहुत मज़ेदार मुकाबला होने की उम्मीद है। बाकी यहाँ से देखा जाए, मैक्सवेल अभी 15 रन 8 ओवर डाले थे, कुछ किया नहीं। एलेक्स कैरी का भी रिकॉर्ड 29 का एवरेज है साउथ अफ्रीका के सामने, वर्ल्ड कप में ये भी लड्डू लेकर आ रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड इनका भी कुछ खास नहीं है, वर्ल्ड कप में 8 किया। पैट कमिंस यहाँ पर 11 में 16 विकेट, पहले गेंदबाजी में इंपॉर्टेंट रहेगा, बल्ले से भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है जिस तरह से साउथ अफ्रीका गेंदबाजी है। मिचेल स्टार्क 14 में 19 विकेटें, इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड कप में 28 एक विकेटें करके आ रहे हैं। एडम जंपा भैया की बात की जाए 16 में 18 विकेट है, एवरेज प्लेयर माना जाएगा। जोश हेजलवुड 15 में 25 विकेट, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। और ये जो विकेटें लेता है ना, वो छोटा मोटे बड़ा बड़े मछली को जाल में फंसाता है पावर प्ले में, जैसे इंडिया के खिलाफ आपने देखा था वर्ल्ड कप में 3 विकेट इंडिया के साथ लेकर आ रहे हैं, वो इसे लो स्कोर मुकाबले में। शेन एबॉट, मार्कस स्टोनिस, ट्रेविस हेड, ये लोग खेलेगा तो आप जरूर देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। जोश हेजलवुड, मार्क मिचेल स्टार्क पावर प्ले में डालेगा, और मिचेल स्टार्क पैट कमिंस डेथ में डालेगा, साथ में कैमरन ग्रीन का भी कुछ सहारा मिलेगा। साउथ अफ्रीका में क्वांटन डी कॉक 33 का एवरेज रखता है, अभी वर्ल्ड कप में शतक जड़ के आ रहा है। टिम्मा बभूमा 60 का एवरेज रखता है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के सामने बाकी 8 करके आ रहा है। रशिया वंडर दूसरा शतक ये भी जड़ के आ रहा है, 42 का एवरेज रखता है ऑस्ट्रेलिया के सामने। एडम मकरम 43 का एवरेज रखता है, ये भी शतक जड़ के आ रहा है। साउथ अफ्रीका का प्लेयर लाजवाब है। अब देखो हेनरी क्लास, क्लास की बात की जाए, क्लासेन का 62 का एवरेज रखता है ऑस्ट्रेलिया के सामने। जहाँ साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज अच्छा खासा रख रहा है, वहाँ पर देखोगे मेरे भाई मार्कस लबुशागने का सिर्फ साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा एवरेज था, बाकी कोई खास नहीं था। डेविड मिलर 57 का एवरेज कमाल है। मार्को जानसेन 33 का एवरेज, साथ में गेंदबाजी भी ठीक ठाक करते हैं। जी कोड जी 4 मैच में 6 विकेट, केशव महाराज 7 मैच में 9 विकेट, हेड टू हेड रिकॉर्ड है, बाकी देख लेना, सारा बोलना जरूरी नहीं है वीडियो को बढ़ा करके। कगिसोर अवाडा, लुंगी एंगडी 8 में 18 विकेट भैया, लेकिन अभी इनका फॉर्म थोड़ा सा गड़बड़ है, बाकी अगर यदि कोई अन्य खेलता है तो ये रिकॉर्ड देख लो, अगर यदि लगे तो आप पिक कर सकते हो। मार्को जानसेन, लुंगी एंगडी, कगिसोर अवाडा पावर प्ले में डालता है डेथ में, जी कोडजी के साथ कगिसोर अवाडा, मार्को जानसेन को कम यूज किया जाता है क्योंकि मार्को जानसेन को पावर प्ले और मिडिल पे बहुत ज़्यादा यूज कर लिया जाता है। जी हाँ मेरे भाई, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, सीधे कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ड्रीम इलेवन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनके अलावा कुछ जानकारी लेना हो इंस्टा पे मैसेज करो, मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई देता हूँ, वो भी बेहतर तरीका से। बात करेंगे साउथ अफ्रीका के प्लेयर में, तो यहाँ से क्वांटन डिकोक का नाम तो आता है मेरे भाई, हेनरी क्लासेन को भी यहाँ पर मैं पिक करने वाला हूँ। आर भंडर दूसन भाई इंपॉर्टेंट होगा, फिलहाल अभी इनको मैं छोड़ देता हूँ। एडम मकरम, मार्को जानसेन आएगा हमारे टीम पे, बाकी अभी कुछ नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखा है जोश भैया, जोश हेजलवुड ओपनर पे खास नज़र रखना, क्वांटन डिकोक, टिम्मा बभूमा, ग्लेन मैक्सवेल देखो इंपॉर्टेंट है लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने मुश्किल लग रहा है। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और यहाँ से मार्कस लबुशागने इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब बात करेंगे साउथ अफ्रीका के तरफ ही देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की तरफ से यहाँ पर अरविंदर दूसन को पिक करूँगा, बाकी यहाँ से कगिसो भैया आएगा और यहाँ से मैं जी कोडजी को पिक करने वाला हूँ। मेरा कहने का मतलब मेरे भाई, थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो वो जो लग रहा है ना वो साउथ अफ्रीका ही लग रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना है, अगर यदि साउथ अफ्रीका पहले गेंदबाजी किया तो यहाँ पर हेनरी क्लासेन को ड्रॉप करूँगा और इनके जगह एक्स्ट्रा मैक्सवेल को भी मैं ला सकता हूँ, या फिर एक एक्स्ट्रा गेंदबाज भी साउथ अफ्रीका का ले सकता हूँ। बाकी साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करेगा तो इस प्रकार से रहा, ऐसी स्थिति में मैं डेविड वार्नर को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा गेंदबाज मिचेल स्टार्क को ले सकता हूँ जब ऑस्ट्रेलिया पहले गेंदबाजी करेगा। स्पिन को मदद मिलेगा तो ग्लेन मैक्सवेल को भी पिक कर सकते हो। जंपा जीएल का ट्रंप कार्ड जरूर रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये टीम सेव करके रख लेना, थोड़ा सा नज़र रखना, साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हकीकत है तो हकीकत है। तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं समाप्त कर आशा करता हूँ लक्ष्मी माँ विषहरी माँ ओल भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट शानदार जाए।